स्विंगी थेरापी करने जा रहे हैं। ये हमारे पास स्विंगी है जो फाइबर का बना होता है, और इसी तरह का ये दूसरा स्विंगी होता है जो ये जो स्विंगी है ये पित्तल का होता है। इसके एक तरफ, ये दोनों के एक तरफ जो होता है बहुत पतला सा एक छेद होता है जिससे हम सक करते हैं, और दूसरे साइड में ऐसे मोटा सा होता है जिस पे जिस स्थान पे हमें करना हो। जैसे इनका पिंडलियों का दर्द है तो पिंडलियों का दर्द में हमें यदि करते हैं तो थोड़ा सा हमें बड़े वाला स्पेस चाहिए, ताकि यदि इस जगह पे दर्द है, यहाँ पे यदि दर्द है तो इसको यहाँ पे अच्छे से रख कर यहाँ से सक किया जाए। मुँह से ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ खींच कर यहाँ पे एक प्रेशर बनाया जाता है, और इस एरिया के जितने भी गंदा खून है या इस एरिया में जो भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं इसके अंदर ये खींच लिया जाएगा। उसके बाद में हम ऐसे पिन से 10 मिनट रखने के बाद में इसको पिन से ऐसे छेद करके वापस इसके अंदर से सारा जो गंदा गंदगी है मटेरियल है खून के साथ वो बाहर निकल कर आ जाता है। उसके बाद में हम इसको कॉटन से ऐसे साफ़ कर देते हैं, और कॉटन से साफ़ करने के बाद में हम डिटोल यूज़ करते हैं। डिटोल यूज़ करने के बाद में हम हल्दी के माध्यम से इसको वहाँ पे मेडिसिन के रूप में इसको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, हल्दी लगा दिया जाता है। तो ये तो रहा हमारा करने का तरीका। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो है ऐसे हमारा ये स्विंगी, और यदि छोटे स्थान पे चाहिए तो ये वाला स्विंगी का यूज़ होता है। हल्दी चाहिए लास्ट में करने के लिए। स्विंगी को मुंह ढकने के लिए हमें ये इसके जो मुंह ढकने के लिए होता है एक छोटा सा ये मोम टाइप का होता है, मोम होता है उससे हम मुंह ढकते हैं। उसके साथ में जो चाहिए हमें पहले ये जब ये कर लेते हैं तो इसके लिए एक पिन चाहिए होती है। पिन से हम होल करते हैं, और यदि इसके अंदर कुछ अटक जाए जैसे ये रह जाता है मोम, तो इसको साफ़ करने के लिए कोई हम छोटा सा पतला सा पिन निकालते हैं ताकि इसको हम बाहर निकाल सकें। और इसके साथ साथ में हमें हल्दी और डिटॉल चाहिए होती है। डिटॉल से साफ़ करके हल्दी लगा दिया जाता है, और उसको सारे रुई वगैरह को निकाल कर ऐसे जो कॉटन है कॉटन को साफ़ करने के बाद में एक बर्तन चाहिए होती है रखने के लिए, और इन सबको चीज़ों को धुलने के लिए एक दूसरा बर्तन जिसमें हम गर्म पानी रखते हैं इसमें साफ़ करने के लिए। इसके साथ में हम डिटॉल वगैरह से अच्छे से धुल के साफ़ करके हम फिर रख देते हैं। आइए हम श्रृंगी चिकित्सा शुरू करते हैं। यहाँ पे इनको पिंडलियों में दर्द रहता है, तो हम पहले पूछते हैं किस जगह पे दर्द हो रहा है। इस यहाँ पे है या कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, तो इस जगह पे जो दर्द है इसको पहले हम स्थान देख लेते हैं कि किस जगह पे है। इसको पॉइंट आउट करने के बाद में हम इस जगह पे श्रृंगी लगाने के लिए करते हैं। तो ये श्रृंगी रहा, इसके जो निचले वाला भाग है, जो बड़ा वाला भाग है, हम इस जगह पे लगाएंगे और इसको अच्छे तरह से पहले हम सॉक करेंगे, खींच लेंगे मुँह से। तो ये हमने यहाँ पे सॉक कर लिया है। ये देखिए ये पूरी तरह से एकदम टाइट हो चुका है, और ये इसमें जितना आप सक करते हो, जितना टाइटली सक करते हो, इस एरिया का पूरा गंदगी जो भी है जिसके कारण से दर्द हो रहा है, जो टॉक्सिन्स वगैरह है, वो सारे ऊपर की तरफ ये इसमें धीरे धीरे चारों तरफ से खींचा जाएगा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ खींचा जाएगा ये इस जगह पर एक जगह पर पूरा स्टोर हो जाएगा। अब जैसे इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, अब 10 मिनट के बाद में जैसे ये पिन हटाएंगे और उसके बाद में हम इस स्थान को देखेंगे कि इस स्थान पे क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे इनके दोनों पिंडलियों में दर्द रहता है तो हम इस पिंडली में भी हम ऐसे ही सेम टू सेम करेंगे। जैसे देखते हैं इस पोजिशन पर दर्द रहता है, थोड़ा सा नीचे इस यहाँ पे जी ये वाला जी, ठीक है। तो इस स्थान पे हम जैसे श्रृंगी लगाना हो तो यहाँ पे हमने ये श्रृंगी को ऐसे लगा दिया इस स्थान पे, और इसके जो टॉप वाला पार्ट है यहाँ पे वापस हम सक करेंगे।
अभी ये 10 मिनट के लगभग हो गए हैं, तो हम इनको उठाकर देखते हैं कि एक्चुअली इनके इसमें क्या फर्क पड़ा है। तो पहले हम ऐसे अभी निकालोगे तो ऐसे नहीं निकलेगा, इसको जो इसका मोम है उसको हम थोड़ा सा ऐसे हटाएंगे। जैसे इसको हटाते हैं तो ये हवा चला जाता है, जैसे हवा चला जाएगा तो ये आराम से छोड़ देता है। देखिए इस स्थान पे थोड़ा सा लाल हो गया है और ये काले काले जो धब्बे हो जाते हैं ऐसे, तो इस यहाँ के ब्लड जो है, जितने भी ब्लड है या टॉक्सिन्स वगैरह है जो यहाँ पे इस एरिया पे जमा हो गए। अब इस एरिया पे हम जैसे जो पिन होता है ऐसे पिन लेकर इस पर हम होल करेंगे बहुत हल्के हल्के से, तो ये होल हो गया है इस स्थान पे जो ये पिन है। अब वापस हम इसको फिर से लगाएंगे और इस स्थान पे देखेंगे कि इनके अंदर की जो गंदगी है, वो टॉक्सिन्स है, उसको हम बाहर निकालते हैं। इसको वापस ऐसे ही लगा देना है जैसे पहले था। अब ये धीरे धीरे सारा ब्लड के माध्यम से वो सारा ऊपर की तरफ खींच लिया जाए। ये यहाँ पे लग गया है, इसी तरह हम दूसरे का भी करेंगे। स्थान का ये जो मोम है ये चिपक गया है इसके साथ, तो ऐसे हम पिन लेकर इसको होल को हम वापस खोल देंगे ताकि एयर पास हो अंदर। अभी देखिए ये स्थान पे अब खुल गया है, यहाँ पे भी हम सेम पिन करेंगे। ये जो पिंडलियों का दर्द है, ये पिंडलियों का दर्द इससे ठीक हो जाते हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी पिन के माध्यम से ब्लड आना शुरू हो गया है। अब इसको लगाकर हम वापस हम सब करेंगे ताकि सारा इनका टॉक्सिन्स जो है इसके माध्यम से बाहर आ जाए। देख सकते हैं ये पूरी तरह से टाइट हो चुका है। अब इसको वापस हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसमें जो ब्लड, जितने भी टॉक्सिन्स होंगे वही सिर्फ आएगा, ऐसा नहीं कि सारा ब्लड ही बाहर की तरफ आता है। टॉक्सिन्स वगैरह को धीरे धीरे ब्लड के माध्यम से वो खींचते जाता है और वो ये इस लेयर पर जमा हो जाते हैं। तो 10 मिनट का हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। तो अब ये 10 मिनट के करीब हो गए हैं, 10-12 मिनट 15 मिनट तक देखते हैं। उसके बाद में जैसे हम इसको खोल कर देखते हैं कि इनके इसमें क्या कितना आया है। ये आया है थोड़ा बहुत ही, इनको ज़्यादा दर्द नहीं है इस वाले पैर में, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं आया है। इसको हम साफ़ कर देते हैं अच्छे से, पहले रुई से साफ़ कर देंगे और इसको हम पानी में, गर्म पानी में ऐसे डाल कि वो डॉक्स हो जाए। इसको हम एक बर्तन में निकाल देंगे इसको अलग से, और जो ये डिटॉल के साथ है, डिटॉल के साथ लेकर इसको हम अच्छे से साफ कर देंगे। सफाई हो गई है, अब इस एरिया को हम साफ करने के बाद में थोड़ा सा हल्दी लगाएंगे ताकि ये इस पर कोई इन्फेक्शन ना हो किसी चीज़ की। दर्द हल्दी बहुत अच्छा माना जाता है एज अ जम वगैरह से प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, या दर्द वगैरह को ठीक करने के लिए, घाव वगैरह को ठीक करने के लिए हमारे घरेलू उपाय जो है वो हल्दी लगाने का होता है, बचपन से ही लगाया जाता है। तो आयुर्वेद में हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो
ये अच्छे से हमने हल्दी लगा दिया है। तो इस तरह से ही हम दूसरे उसमें देखेंगे, दूसरे वाले में देखते हैं कि इसमें कितना क्या प्रॉब्लम होता है, कितना आया हुआ है। तो ये हमने हटा दिया है इसके मुंह, और इस एरिया को थोड़ा सा धीरे से खोलेंगे। तो इस जगह में आप देख सकते हो पहले से ज़्यादा दर्द था, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आया है। इसको हम हटा देंगे और कॉटन के माध्यम से इसको हम अच्छे से साफ कर देंगे। इसको साफ़ करने के बाद में डिटोल लेकर डिटोल से हम इसको अच्छे से पोंछ देंगे इसके एरिया को चारों तरफ से। ये हो गई हमारी सफाई। अब यहाँ से हम हल्दी इसमें लगा के इसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, इसके दर्द को घाव को ठीक कर सकते हैं। तो ये हल्दी के माध्यम से इनके पैरों के दर्द वगैरह सब चला जाएगा। अब ये इसको जो हमने पिन किया है उसका घाव वगैरह उसका कुछ भी नहीं रह सकता। तो इनको दो दिन के लिए थोड़ा सा चावल दूध वगैरह अभी मना करेंगे, चावल दूध वगैरह ना लगे, किसी भी मीठी चीज़ को अभी प्रयोग ना करें ताकि कोई भी इसमें दिक्कत ना पके ना। ऐसे तो कोई पकता नहीं है, वो बहुत हल्का सा पिन होता है, फिर इसके बाद में अच्छे से जल्दी हील हो जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस है इसका श्रृंगी चिकित्सा का। इससे पिंडलियों का दर्द जो होते हैं घुटने में, किसी को जैसे लेडीज़ वगैरह को ज़्यादा प्रॉब्लम रहते हैं सीढ़ी वगैरह में चढ़ने में, या और भी जैसे कमर पे दर्द होता है तो हम कमर पे लगा सकते हैं। कोई चोट वोट पे दर्द जो हमारा खून जम जाता है उस पोजीशन पे लगा सकते हैं उसके दर्द के लिए, या गर्दन में हमें गर्दन का सूजन हो जाता है, दर्द हो जाता है गर्दन पे, तो वहाँ पे भी लगा के उसके हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं उसके टॉक्सिन वगैरह निकाल के। और उसमें जो यदि घाव वगैरह का जिस तरह से वो बन जाता है, पस वगैरह बन जाता है, वो सारे चीज़ें बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो सारे चीज़ें ठीक हो जाता है। और इसके माध्यम से ये हम सिंगी के पुराना से पुराना दर्द जो बहुत पहले से दर्द है, उन सारे दर्द को, हड्डियों के भीतर के दर्द को, या खून में या मसल्स में वगैरह पेन रहते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये दर्द वगैरह के लिए या बॉडी को थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये पंचकर्मा के अंदर ये रक्त मोक्षण का पार्ट आता है। रक्त मोक्षण के अंदर ये जैसे कह सकते हो सिंगी थेरापी है, लीज थेरापी है, कपिंग वगैरह है, या ये आयुर्वेद के अंदर पंचकर्म के अंदर रक्त मोक्षण के अंदर ये सारे चीज़ें आते हैं। तो ये था हमारा श्रृंगी चिकित्सा का। अब इसको हम जो ये श्रृंगी है इसको हम अच्छे तरह से सफाई करेंगे पानी में, उबलता पानी में, तो इसको सफाई करेंगे और डिटॉल वगैरह रख के इसे अच्छे से साफ कर देंगे।